हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जानते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। यहाँ पर हम 3 कार्ड रीडिंग करेंगे और जानेंगे क्या नेक्स्ट होगा आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, जो भी है क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स लेंगे और जानेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन इन योर लाइफ। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। यहाँ पर 3 कार्ड्स हम लेंगे और जानेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में। ऐसा लगता है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपके पर्सन बहुत दुखी है आपसे बिछड़ कर। यह आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी बहुत सैड हैं, बहुत नर्वस हैं, बहुत रोते हैं, ऐसे ही यहाँ पर लगता है। नेगेटिव सिचुएशन में है, आपके पर्सन भी सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर कि क्या उनका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये भी डिसअपॉइंटेड है, हैप्पी नहीं है और इनको रिग्रेट भी है, गिल्टी भी फील करते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा या इग्नोर किया। ये आपके लिए है जो भी सिंगल्स हैं रिलेशनशिप में, उनके लिए रीडिंग है, या फिर मैरिड कपल के लिए भी ये रीडिंग है। तो आपको अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है ये। तो ऐसे लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से पॉज लिया है इन्होंने अपने लाइफ में एक सही डिसीजन लेने के लिए, और ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। अगर ये नेगेटिव में थे तो पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड थे पास्ट में, तो अभी आपको लेकर ही कुछ ना कुछ सही डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स हैं। अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। टू ऑफ कप्स, ये कहता है कि फिर से आप दोनों एक हो सकते हैं। रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। आपके पर्सन के दिल में अगर ये छोड़कर आपको गए थे, फिर से फीलिंग्स जागी हैं आपको लेकर, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। तो इनको पता चला है कि आप जैसा प्यार और कोई नहीं कर सकता इनको, या नहीं समझ सकता इनकी फीलिंग्स को, या इनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये सब कुछ आप जानते हैं अपने पर्सन के बारे में। बहुत ज़्यादा लव एंड केयर दिखाया आपने इस पर्सन को, ऐसा लगता है, इसलिए फिर से प्यार में पड़ गए आपके साथ ये पर्सन, और अभी एक कमिटमेंट देंगे आपको, ये रिश्ता कायम करेंगे ऐसा लगता है। तो हैप्पी मोमेंट्स आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। यहाँ पर जो राशियाँ रिफ्लेक्ट हो रही है वो है कर्क राशि यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, और ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि रीयूनियन की वाइब्स है। सेपरेशन ख़त्म होकर रीयूनियन हो जाएगा। दुख भरे दिन जो थे वो ख़त्म हो गए और खुशी भरे दिन अभी शुरुआत हो रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आप अपने पर्सन के साथ कर सकते हैं। अगर रिश्ता टूटा हुआ है तो कोई न्यू पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, ऐसी भी यहाँ पर वाइब्स हैं। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसे लीजिए, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।